ये जीवन का एक महान रहस्य है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। आखिर इसे कोई जानता क्यों नहीं? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आज जिंदा हैं और रहस्य को जानते हैं। एक एक करके वो सामने आने लगे। आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, जो भी चाहें बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है? मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे। ये जीवन का एक महान रहस्य है। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे, ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे जो समझा है। हम सब के साथ एक अनंत शक्ति है। हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के एक अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं, और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोन वासी, वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इसे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है, या अपने आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं, वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार 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 आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है।
चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं, ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है, ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है।